भारत के बल्लेबाजों ने वानखेड़े स्टेडियम के पिच पर ढेरों रन बटोरे तो गेंदबाजों ने भी कहर बरपाया। मेजबान टीम ने गुरुवार को यहां आईसीसी विश्व कप मुकाबले में श्रीलंका को 302 रन से रौंद कर लगातार सातवीं जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। यह रनों के लिहाज से विश्व कप की दूसरी सबसे बड़ी और भारत की विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। श्रीलंका का यह स्कोर उसका संयुक्त रूप से तीसरा न्यूनतम और विश्व कप का चौथा न्यूनतम स्कोर भी है। भारत के 358 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम मोहम्मद शमी के करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और मोहम्मद सिराज की धारदार गेंदबाजी के सामने 19.4 ओवर में ही 55 रनों पर ढेर हो गई। जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने एक एक विकेट चटकाए। वहीं श्रीलंका की ओर से कासुन रजिता, महेश तिक्षणा और एंजेलो मैथ्यूज के दोहरे अंक भी पहुंच पाए। तिक्षणा और रजिता ने 9वें विकेट के लिए 20 रन जोड़े जो कि पारी की सबसे बड़ी साझेदारी भी रही। वहीं श्रीलंका के 5 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल पाए। श्रीलंका को 17 सितंबर 2023 को विश्व कप के फाइनल में 50 रन पर ढेर करने के 45 दिनों बाद भारत इस बार तीसरी बार इस टीम को 100 रन के आंकड़े को भी नहीं छूने दिया। भारत ने इसी साल जनवरी में तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका को 73 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।